अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। तो जी दोस्तों, आज हम एक नए अम्ब्रेलस के साथ हैं और इसका नाम है मैजिक ग्रीन। जी, ये बहुत खूबसूरत हल्के सब्ज़ रंग का है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो आप देखेंगे कि इसकी जो है रंगत जो है वो लाइट ग्रीन है और एक मैजिकल टच देता है आपके गार्डन में। जब आपके पास काफ़ी सारे अम्ब्रेलस खिले हों तो उनके दरमियान ये जो लाइट ग्रीन है ये बड़े खूबसूरत लगता है। तो इसकी अगर पेटल्स को आप देखें तो इसके ऊपर आपको नज़र आएगा रेस्बरी कलर नज़र आएगा। रेस्बरी कलर जो है वो बहुत कम फूलों में नज़र आता है, अम्ब्रेलस में ख़ास तौर पे। तो ये बड़ा यूनिक है। और अगर इसको आप पीछे से अगर आप देखें फ्लावर को बैक साइड से, तो ये इसमें आपको पेपीलियो का टच नज़र आएगा, वो कलर नज़र आएगा। तो लग यही रहा है कि ये किसी पेपीलियो का क्रॉस है। तो बड़ा ख़ूबसूरत फूल है, साइज़ भी बहुत अच्छा और मुनासिब है। ये जो मैजिक ग्रीन है इसके एक जो है स्टेम जो है इसके ऊपर चार फूल आते हैं। और इसमें एक और बड़ी मज़े की ख़ूबी ये है कि जब इसका पहला फूल खिलता है तो वो सेमी डबल होता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैजिक ग्रीन है या कुछ और है। लेकिन कुछ लोगों के हाँ ऐसा नहीं होता, वो सीधा सीधा सिंगल ही खिलता है, और कुछ के हाँ पहला जो फूल खिलता है वो सेमी डबल होता है। तो जो मेरे पास पहला फूल इसका खिला तो वो भी सेमी डबल है, बाकी उसके बाद खिले थे। हम आपको करीब से भी दिखाते हैं कि ये किस तरह का नज़र आता है। तो ये देखें दोस्तों, ये जब इसका पहला फूल खिला था तो ये कुछ पेटल्स जो हैं वो स्टिग्मा के साथ अटैच हैं, तो जिससे ये लगता है, ये देखें ये भी एक दो तीन पेटल्स हैं। तो ऐसे ही लगता है कि जैसे ये सेमी डबल फूल है कोई, लेकिन जब ये मज़ीद खिलता है तो फिर ये इस शक्ल में आ जाता है। ये देखें, बड़ा ही खूबसूरत है ये देखें। और इसके जो पेटल्स के जो किनारे हैं उनके ऊपर भी देखें रेस्बरी कलर है, बड़ा ही खूबसूरत शेड है। तो हम देखते हैं कि इस फूल का साइज़ क्या है और इसकी स्टेम कितनी है। फूल का साइज़ हम चेक करते हैं कितना है। ये देखें, ये तकरीबन 5.5 इंच है, 5.5 इंच, 5.5 इंच फूल का साइज़ है। और जो स्टाक है इसका साइज़ जो है 13 इंच है, 13 इंच इसका स्टॉक का साइज़ है। बड़ा मुनासिब, बड़ा ख़ूबसूरत सपोर्ट हमने इसलिए इसको दी हुई है कि क्योंकि ये नया बल्ब है, इसके नीचे रूट्स नहीं है, तो क्योंकि ये फूलों का वज़न होता है, हवा चलती है तो ये इसके गिरने के चांसेस हैं, तो इसलिए नए बल्ब को आप थोड़ी सी सपोर्ट भी दे दिया करें।